हालत तो देखो। ये रूम है या कचरे की दुकान? कोई मुझे बताएगा ये कैसे हुआ? वो मैं कल खिड़की बंद करना भूल गया था। रात को जो तूफान जैसी हवा चली ना, वो साई साई, शायद उससे सारा कचरा हॉल के अंदर आ गया। अच्छा, तूफान आया, जोरों की हवा चली थी और तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कैसे सुनाई देगा, ये 24 घंटे हेडफोन लगा के जो घूमता है। अच्छा, इसकी सजा मिलेगी, सबको बराबर मिलेगी। क्या? जब तक मैं खाना बनाऊँ तब तक तुम सब मिलके सारा हॉल साफ करोगे। मुझे ये सफाई करना नहीं आता। तो हमने क्या साफ सफाई करने में PhD कर रखी है? इसको तो बस खुद गाना गाना और दूसरों का बैंड बजाना आता है। बातें बंद, काम शुरू, सब मिलकर हॉल साफ करेंगे। मैं फोटो फ्रेम्स फिर से लगा दूंगा। दीवारें साफ कर दूंगा। मैं सीलिंग साफ कर दूंगा। मैं एक सुपर क्लीनर गैजेट बना रहा हूँ, उसके रेडी होते ही मैं सारा फ्लोर साफ कर दूंगा। और गप्पू, ये कचरा फैलाकर तुम क्या हमारा काम बढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, तुम सब करो मेहनत, मैं तो गैजेट बना रहा हूँ। गैजेट बनते ही वो अपने आप सारा फ्लोर साफ कर देगा। प्याज काटूंगी बिना आंसू बहाए, मसाले कूटूंगी बिना पसीना बहाए। हाय, कितनी गर्मी है यहाँ, जाके थोड़ा चिल करती हूँ। ऐसा लग रहा है रेगिस्तान से बर्फ की वादियों में पहुँच गई हूँ। ये कील दीवार में घुस क्यों नहीं रही है? देखें तो मामला क्या है। इंसानों को यही जगह मिली थी पाइप लगाने। परफेक्ट, यही तो मैं कब से ढूंढ रहा था। जीना मुश्किल कर रखा है। ओ, ये मॉब है या पतंग, मुझे कहां कहां खींच के ले जा रहा है। If I am not wrong, ये फ्रेम थोड़ी लेफ्ट में होनी चाहिए। अब ठीक है, मुझ मोड़ के। भूतिया पंती सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। किसकी सफाई का काम खत्म हो गया? गर्मा गर्म करेला पराठा, कद्दू का हलवा, बैंगन मिल्कशेक और दही नूडल्स तैयार है। ये खाना है या ससा? सफाई करने से तो अच्छा ही है, हमारा सफाई का काम पूरा हो गया। पिनाकी, क्या पिनाकी, तुम इतना सा काम भी नहीं कर पाए? अरे हमारा काम तो कब का पूरा हो गया। ये सारा काम आप लोगों ने नहीं किया, आपकी भूतिया पंती ने किया है। मैं आम इंसानों की तरह काम कर रहा था तो मुझे तो वक्त लगेगा ही। मेरा आप सबसे चैलेंज है कि एक दिन बिना अपनी भूतिया पावर्स यूज किए आम इंसानों की तरह सारा काम करके दिखाओ तो मानू। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई तो? देखो अंकल सूरी, डोंट वरी, अपना सफाई का सारा काम पूरा हो गया है, अब बाकी का दिन इंसानों की तरह ऐसे रिलैक्स करके ही तो निकालना है। तो हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम आज के दिन इंसान बनकर रहने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो वैसे भी भूतिया पंती से नहीं, अपने टैलेंट से हर काम पूरा करता हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। एक बार मेरी सुपर क्लीनर मशीन तैयार हो जाए, मुझे सफाई करने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू हैप्पी। लो, आप
आप लोगों के पास कोई काम नहीं था ना, अब बहुत सारा काम आ गया। अब एक बार फिर घर की सफाई करो और खाना बनाओ, पर बिना किसी भूतिया पंती के, बिल्कुल इंसानों की तरह रह के। अब चैलेंज लिया है तो जवान उसे पूरा भी करेंगे मुझ मोड़ के। हाँ हाँ, मैं भी। सारा खाना फिर से बनाना पड़ेगा बेलन उठा के। सूर्य आंटी, नो भूतिया पंती। ओह नो। सूर्य अंकल, नो भूतिया पंती। भूतिया पंती सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। पर अब भूतिया पंती को जाना पड़ेगा। चैलेंज याद है ना? हाँ हाँ याद है। सास बहू के सीरियल देखने पर भी मेरे आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलता, पर आज आंसू की नदियाँ बह रही हैं। सूर्य आंटी, मसाला अच्छी तरह पीस के डालना। ओके, तुम जाओ अपना काम करो। बिना भूतिया पंती के तो सारे किए कराए पर सारी फिर गया। अगर भूतिया पंती इस्तेमाल करती तो मसाले कूटना तो मेरी बाई उंगली का काम था। गर्मी लग रही है, थोड़ा चिल कर लेती हूँ। हाँ सूर्य आंटी, हम इंसान फ्रिज में सिर्फ चीजें ठंडी करने रखते हैं, अपना सिर ठंडा करने नहीं। हाँ हाँ पता है। नीचे देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। नो भूतिया बंती ब्रो, अपना सिर नीचे आकर लो। सर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो मेरा सर ले लिया। यहाँ क्या हंगामा मचा है? ये लो अपना सिर। अब पता चला कितना मुश्किल होता है एक नॉर्मल इंसान की तरह सारा काम करना। कोई मुश्किल नहीं। मैंने इस सुपर क्लीनर मशीन में नया मोटर लगाया है, अब ये तूफान जैसी चलेगी। अरे वाह, ये इधर घूम क्यों रहा है? अरे इसने टेबल खा लिया, चप्पल खा लिया, अरे मॉप को भी साफ कर दिया। अरे बाप रे, इसने तो मॉप को ही साफ कर दिया। ये तो इधर ही आ रहा है, जवान जब भाग। अगर हमारी हड्डियाँ इसके अंदर गई तो उनका तो चूरमा बन जाएगा। और अगर हड्डी नहीं तो हम नहीं। गप्पू, तुमने क्या किया? ओह नो, लगता है सुपर क्लीनर वैक्यूम की जगह गार्बेज क्रशर लगा दिया। की तरफ पीछे पड़ गया, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे भागो, चलो सोफे के पीछे छुप जाओ। अरे गप्पू, इसको रोको। ये तो रुक ही नहीं रहा। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, अरे अरे अरे। अरे मम्मी बचाओ, आज तो खाना भी नहीं खाया ढंग से। अरे ये तो हमारे पीछे ही गोल गोल घूमे जा रहा है मुझ मोड़ के। ये सुपर क्लीनर मशीन तो मुझे ही साफ कर देगा। अभी बताता हूँ। अरे अरे अरे, ये तो मुझे खींचे ले जा रहा है। रुको अंकल, मैं भी आया। अरे 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 अरे, कुछ करो बिना की, वरना आज हम सबको अपनी हड्डियों से हाथ धोना पड़ेगा। अंकल, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, ये तो टूट गया। आप सब अपनी भूतिया पंती यूज करके फिर से ह्यूमन अवतार में आ जाओ तो इस मशीन से बच जाओगे। क्या कहा पिनाकी? पिनाकी के चैलेंज ने बेबस कर रखा है, वरना इसे चुटकियों में ठीक कर देता। लेकिन हमें पिनाकी की मदद तो करनी ही होगी। आप ठीक तो हैं? अरे रुक भी जाओ, अरे रुक जाओ। ओहो, इस सुपर क्लीनर को रोकने के लिए मुझे इसके अंदर के सर्किट वायर्स कट करने पड़ेंगे।
जो भी करना बस इतना याद रखना कि हमारी जिंदगी की तार अब तुम्हारे हाथों में है बेटा। रुक जाओ, अभी मैं दिखाता हूँ। रेड वायर काटू या ग्रीन? अगर गलत वायर काटी तो मशीन कहीं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। मैं कुछ करता हूँ, मैं आ रहा हूँ पिनाकी। सॉरी पिनाकी। कोई बात नहीं अभी, अब मैं इसे देखता हूँ। लौट के बुद्धू घर को आए। आज के बाद मैं आप सबको अपनी भूतिया पंथी को रोकने का चैलेंज नहीं दूंगा। आप सब अपने भूतिया अवतार में और मैं अपने इंसानी अवतार में ही ठीक हूँ। ये डॉक्टर झटका मरीज का दांत निकाल रहा है या कोई खड्डा खोद रहा है? देखो कैसे ड्रिल चला रहा है। लगता है जमीन में पत्थर भी है, हथौड़ा चला चला के तोड़ रहा है। बचाओ बचाओ। रुको यार, बात तो सुनो। क्या कर रहे हो आप? ऐसे बाहर भागेंगे तो मैं दांत कैसे निकालूंगा? और बस एक मिनट और लगेगा। मेरे दांत में दर्द नहीं था, हाथ में दर्द था। मेरे दांत निकाले हैं, ये लो। ओ यार, तुम दोनों मेरा क्लिनिक संभालो, मुझे उसे जाकर रोकना होगा, कहीं वो पुलिस में ना चला जाए। ये क्लिनिक है या टॉर्चर चेंबर? झटका से इलाज कराना किसी टॉर्चर से कम नहीं।